वन अपन में कॉस थीटा प्लस सेक थीटा इक्वल्स टू वन अपन में टू, फाइंड द वैल्यू ऑफ कॉस क्यूब पावर 100 प्लस सेक क्यूब पावर 100। तो एक तो थीटा की वैल्यू आप यहाँ से मान सकते हो, ठीक है भाई, 90 और ये करके 90 और 0 करके भी मान सकते हो, जिसमें वन अपन में टू आने की संभावना होगी, या फिर इसको बना भी सकते हो। अगर कॉस थीटा यहाँ पर दे रखा है तो सेक थीटा को हम ले सकते हैं वन अपन में कॉस थीटा, तो हो जाएगा कॉस स्क्वायर प्लस वन, या फिर मैं इसको ये बोलूँ कि वन प्लस कॉस स्क्वायर थीटा अपन में सी, सी ऊपर चला जाएगा तो इसको मैं ले सकता हूँ सी अपन में वन प्लस सी स्क्वायर इक्वल्स टू, ये दे रखा है वन अपन में टू, तो यहाँ से टू उधर जाएगा तो टू सी इक्वल्स टू क्या हो जाएगा वन प्लस सी स्क्वायर, या फिर मैं इसको लिखना चाहूँ और अच्छे से तो सी स्क्वायर माइनस का टू सी प्लस का वन इक्वल्स टू जीरो, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गया यहाँ से, ये क्या हो जाएगा आपका सी स्क्वायर। इसको अगर मैं तोड़ना चाहूँ तो इसको मैं लिख सकता हूँ कि सी माइनस का वन हो जाएगा आपका ये, एक हो जाएगा सी प्लस का वन हो जाएगा, तो ये वैल्यू हो जाएगी आपकी कितने, एक आ जाएगा आपका सी माइनस वन इक्वल्स टू जीरो, एक हो जाएगा सी प्लस वन इक्वल्स टू जीरो, एक वैल्यू आ जाएगी प्लस का वन और एक वैल्यू आ जाएगी माइनस का वन, ठीक है, दोनों वैल्यू आ जाएगी यहाँ से। अब देखो अगर कोस थीटा, थीटा की वैल्यू वन आ गई तो हम थीटा की जगह पर वन रखेंगे, कोस की जगह पर, कोस की जगह पर वन रखेंगे, ठीक है, कोस थीटा की वैल्यू क्या आ जाइए वन आई है, कोस की जगह पर वन रखेंगे, वन का पावर सौ रखेंगे तो सौ भी आएगा, वन ही आएगा, ठीक है, और इसका भी पावर वन कितना भी कर ले वन का पावर वन ही आएगा, तो वन प्लस वन इक्वल्स टू कितना हो जाएगा आपका जीरो, क्योंकि थीटा, थीटा की वैल्यू क्या आई है वन आई है, ठीक है भाई। या फिर आप कोस थीटा इक्वल्स टू वन है तो सेक थीटा क्या हो जाएगा जस्ट इसका अपोजिट, ये भी आपका वन अपन में वन ही आएगा, तो बात तो आपका एक ही है। आप ऐसे भी इसको समझ सकते हो कि अगर भाई कोस थीटा की वैल्यू निकल कर आई है आपका वन, तो सेक थीटा की वैल्यू क्या निकल कर आएगा वन अपन में वन, जस्ट इसका अपोजिट होता है ना, तो आप यहाँ पर कोई भी वैल्यू रखोगे वन है, इसका स्क्वायर करोगे वन ही आएगा, ठीक है, तो हम इसका वन प्लस इसका वन करोगे कितना हो जाएगा दो, दो जो है इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। बाकी माइनस वाली वैल्यू भी यहाँ पर रखोगे तो वही आएगी, कैसे, अगर माइनस वन का माइनस वन का पावर टू करेंगे तो ये हमेशा प्लस में वैल्यू देगा, माइनस वन का पावर अगर मैं ऑड करूंगा थ्री करूंगा तो हमेशा माइनस में वैल्यू देगा, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है, और इवन संख्या है ना, इवन संख्या है, तो इवन संख्या का हमें स्क्वायर करेंगे चाहे वो वैल्यू माइनस में ही क्यों ना हो, वो हमेशा प्लस देती है। सो इस क्वेश्चन का आंसर कितना हो जाएगा वन प्लस वन, टू, ऑप्शन नंबर थ्री। बात यहाँ तक आपको समझ में आ गई होगी।